हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आज आप सभी डिफार्मा वाले दोस्तों के लिए खुशखबरी लेकर के आया हूँ, जिससे जानकर आप सभी दोस्त बहुत सारा खुश होंगे। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कि ये हम लोग का डिफार्मा में कौन कौन सा सब्जेक्ट चेंज हुआ है, कौन कौन सा सब्जेक्ट वैसे ही है। जो हम लोग का हार्ड सब्जेक्ट किया वो चेंज हो गया है, और जो हार्ड सब्जेक्ट नहीं है किया वो वैसे ही है हम लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का चेंज सब्जेक्ट चेंज करने का मेन कारण क्या था, जिसके कारण हम लोग का सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा। ठीक, जो हम लोग का सब्जेक्ट चेंज हुआ है वो किसके किसके वजह से हुआ है, पीसीआई ने हम लोग को 23 सितंबर 2021 में सब्जेक्ट चेंज करने का डिसीजन लिया। क्यों सब्जेक्ट चेंज करने का डिसीजन लिया, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में इतने डॉक्टरों की कमी की वजह से पेशेंट का जान जाने लगी, तो पीसीआई ने ईआर रेगुलेशन रूल को फॉलो किया। ईआर रेगुलेशन क्या है, एजुकेशन रेगुलेशन को फॉलो किया, और उसने यह डिसीजन लिया कि हम लोगों के लिए एक नियम बनाया जाए। ठीक है, तो वो नियम वो इसलिए बनाया गया क्योंकि हम लोगों को भी एक डॉक्टरी लेवल से हम लोगों को भी स्टडी कराया जाएगा। तो हम लोग कैसे कराएंगे, तो सब्जेक्ट चेंज करके हम लोग को पीसीआई और हम लोग को कुछ अलग ही लेवल से पढ़ाई कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये जान लीजिए कि डिफार्मा में कौन कौन सा सब्जेक्ट पहले था और कौन कौन सा सब्जेक्ट अब नया में हुआ है। तो हम लोग का डिफार्मा में फर्स्ट ईयर में हम लोग का नया सब्जेक्ट है, जो कि है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और जो फर्स्ट ईयर का जो पहले वाला सब्जेक्ट था उसमें से बायो केमिस्ट्री हटा दिया गया है, बाकी 5 सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स भी वैसे ही हम लोग का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी वैसे ही है, फिर हम लोग का आ गया एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी वैसे ही है, फिर इसके बाद आ गया एचईसीपी, एचईसीपी की जगह हम लोग का हो गया। दोस्तों, मैं सभी दोस्तों को बता दूं, बायो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से हट गया है और अब हम लोग बायो केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, फार्मेसी। ठीक है, इसके बाद हम लोग का हो गया है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी तो पहले भी था, फार्माकोग्नोसी अब भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का सब्जेक्ट जो पहले था उसमें ये चेंज है। ठीक है, पहले वाले से सिर्फ हम लोग का एक सब्जेक्ट हटा है। फर्स्ट ईयर में हम लोग का 6 सब्जेक्ट था, अब हम लोग का फर्स्ट ईयर में न्यू में 5 सब्जेक्ट हो गया है। 5 सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट चेंज हुआ है वो है एचईसीपी के जगह हम लोग का चेंज होकर के हुआ है सोशल फार्मेसी। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर का, कौन कौन सा सब्जेक्ट चेंज हुआ है, कौन कौन सा सब्जेक्ट वैसे ही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आइए जानते हैं सेकेंड ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट चेंज हुआ है। तो हम लोग का सेकेंड ईयर में पहले तो जान लेते हैं पहले कौन सा सब्जेक्ट था और फिर कौन सा चेंज हुआ है। तो हम लोग पहले कौन सा सब्जेक्ट था उसको जान लेते हैं। पहले हम लोगों का था जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, डीएसबीएम, ज्यूरिसप्रूडेंस, फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी। इसके बाद हम लोग का आ गया है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड ईयर में नया सब्जेक्ट कौन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम लोग का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जो कि सेकेंड ईयर में पहला था फार्माकोलॉजी एंड टेक्सोलॉजी, वो बदल कर हो गया है फार्माकोलॉजी। इसके बाद हम लोग का न्यू सब्जेक्ट इसके बाद आए एचएचसीपी, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, वो भी सेम रहेगा जो हम लोग का पहले था एचसीपी, वो अब भी हम लोग का एचसीपी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का आ गया है डीएसबीएम, डी कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। अब इसके बाद जुरिस प्रूडेंस है, जुरिस प्रूडेंस का जो हम लोग के फार्मेसी लॉ इथिक। फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड हम लोग का जो सेकेंड ईयर में था वो बदल कर हो गया है फार्माकोथेरेप्यूटिक। इसके बाद हम लोग का जो फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री था वो अब उठा करके सेकेंड ईयर में डाल दिया है, जो कि पहले से अब बेटर हो गया है। सबसे हम लोग का कठिन लगता था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसके बाद हम लोग के लिए बायोकेमिस्ट्री, जो कि बायोकेमिस्ट्री में 10 से भी ऊपर साइकिल जो कि याद करना रहता है, वो कि अब चेंज करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कर दिया गया है। सेकेंड ईयर से क्या क्या सब्जेक्ट हटा है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और जो हम लोग का जुरिसप्रूडेंस है उसको फार्मेसी लॉ इथिक को हो गया है, डीएसबीएम कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट हो गया है। अब इसके बाद एचसीपी हम लोग का वैसे ही हेल्थ एजुकेशन हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी वैसे ही हम लोग का।
ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट में चेंज हुआ है। हम लोगों का सब्जेक्ट इसलिए चेंज किया गया है ताकि हम लोग भी एक अच्छे लेवल से पढ़ाई कर सके, ताकि हाँ आने वाले भविष्य में हम लोग का भी जरूरत पड़े तो हम लोग वो काम कर सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चाहें तो अपना कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर भी खोल सकते हैं। कम्युनिटी फार्मेसन हम लोग हॉस्पिटल है, हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर जरूर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग सब्जेक्ट में चेंज करके हम लोग को बताया गया है कि हम लोग आगे चलकर कितने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टरों से डायरेक्ट बात करते हैं। आप लोग सर्जरी नहीं, हम लोग सिर्फ सर्जरी नहीं कर सकते हैं, बाकी पेशेंट को दवा दे सकते हैं अपने लेवल, फार्मेसी के लेवल से। जो हम लोगों का सेकेंड ईयर में फार्मा थेरोपिटिक जो सब्जेक्ट आया है, उस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग को बताया जाएगा कि कौन सा दवा कितने मात्रा में लेना है, किस पेशेंट को कितने डोज में देना है, ये हम लोगों का सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मेरा ये जानकारी आपके लिए कैसा लगा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।